तुम्हें खाना खाने में नहीं पीने में इंटरेस्ट है। एनिवर्सरी तो बस एक बहाना है। रोहन भैया के साथ पार्टी करने का एक मौका नहीं छोड़ते हो, फिर बैठ जाते हो दूसरे दिन सर पकड़ के। और ये जो आज की चक्कर है ना, ये भी वो कल की पार्टी का नतीजा है, वो डिवोर्स पार्टी का। अरे पापा ये हैंगओवर नहीं है, ये सिरदर्द है। और देखो कल की पार्टी ना डिवोर्स मिलने की खुशी में नहीं थी। दरअसल क्या हुआ, वो जो क्लाइंट है उसके डिवोर्स के बाद अब उसकी बीवी फर्टीचर क्लाइंट से शादी करी और वो फर्टीचर क्लाइंट इस बीवी के चक्कर में बर्बाद होने वाला है, तो बस इसीलिए पार्टी दी। छोड़ो, अच्छा हुआ उन्होंने डिवोर्स ले लिया, हमेशा एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते थे, है ना। तुम हटो, मुझे बहुत काम है। लेकिन बात तो सुनो, रत्ना तू कब आई? हाँ, और रोहन भैया कहाँ है? मैनर्स नाम की चीज नहीं है, मुड़ के देखा तो गायब। टैक्सी के पैसे ना तक रुक नहीं सकती थी, पैसे पहले निकाल कर रख नहीं सकते थे? मुझे क्या सपना आया था बस टैक्सी का मीटर कितना होगा? So you can't even guess? हाँ, मैं तो पार्ट टाइम टैक्सी चलाता हूँ ना, इतनी अकल है तो तूने अलग से निकाल के क्यों नहीं रखे? हेलो, मैं 6 महीने बाद टैक्सी में बैठी हूँ, मुझे क्या पता कि मिनिमम मीटर कितना होता है। ओ रियली? अच्छा, मॉल में दोनों हाथों से पैसे यू यू करके उड़ाती है, वाओ डिस्काउंटेड बाय 1 गेट 1 फ्री। उस टाइम पे तो वहाँ के हर चीज के रेट एग्जैक्टली पता होते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं मेरे कमाई के पैसे से खरीदी करती हूँ, खुद कमाती हूँ खुद उड़ाती हूँ, गॉट इट? इज इट? वो तो तू अब कमाने लगी है, शादी के बाद साल भर तो मेरे ही पैसे पर मजे उड़ा रही थी, तो भी मेरी जेब से पैसे चुरा कर। शट अप! शादी के बाद तो पापा ही पैसे भेजते थे, कभी इस बहाने कभी उस बहाने, एंड यू आर सो शेमलेस, ले भी लेते थे तू। पापा को क्यों बीच में ला रही है? वो जब बीमार थे ना हॉस्पिटल में, मैं ही दिन रात उनकी केयर करता था, तेरे एक भी बेशरम भाई आए 2 मिनट के लिए भी उन्हें देखने? उसी की फीस लगाई ना तुमने? वो उन्होंने दिवाली और होली पर दिए थे, उसे ना शगुन कहते हैं, इसके कैलकुलेशन नहीं करते। और आज तुमने जनक और मीना भाभी के सामने प्यार से मेरी इज्जत को नीलाम किया ना, इससे पता चलता है तेरी औकात क्या है। इट शोज वेयर यू स्टैंड, अंडरस्टैंड? हाउ डेयर यू! रत्ना रत्ना चुप कर, ये क्या कर रही है तू? हाँ, और रोहन भैया आप भी चुप रहो। हाँ यार रोहन, बस हो गया यार, बहुत क्या कर रहे हैं आज एनिवर्सरी के दिन भी झगड़ा। हाँ।